योगेंद्र यादव इंडिया की बहुत बड़ी शख्सियत है, गुलबर्गा शहर में वो आ रहे हैं। जो अन्ना आंदोलन जो अपना लंबा चला उसमें योगेंद्र यादव का बहुत बड़ा योगदान है। भारत छोड़ो यात्रा में उन्होंने राहुल गांधी का भी सपोर्ट किया। हम संविधान के दायरे में रहकर किस तरीके से हम अपना हक हासिल कर सकते हैं, इस पे वो रोशनी डालेंगे। जुबेर खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस नाजुक वक्त में योगेंद्र यादव को अपने पारस वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से उन्होंने बुलाया। मैं ह्यूमननेट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तमाम को अपील करने के लिए आया हूँ कि आप अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम में दें। This video presented by Fine Art Designer, exclusive for suits, sherwanis, a complete solution for men's kids for reception, marriage, engagement, ethnic wears, parties, farewell and much more. First branch at Timapuri Chowk, Gulbarga. Second branch at Supermarket Gulbarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosto, Paras Welfare Charitable Trust ki janib se, jinke sadar Zubair Khan hai, unhone Gulbarga shahar mein Yogendar Yadav ko bula rahe hai 30 April ke din. जो कि नेशनल कॉलेज के कैंपस में उनका फंक्शन रखा गया है जो 1 से 3 बजे तक होगा। योगेंद्र यादव किसी तारीफ के मोहताज नहीं, जिन्होंने दिल्ली में लोकपाल बिल का जो अन्ना आंदोलन चला था उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा रोल उनका है। वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ साथ नेशनल एक्टिविस्ट भी है, वो हर मुद्दे पर अपनी बारीक नजर रखते हैं। आज जो हमारे सामने 2024 का इलेक्शन है उसके ऊपर रोशनी डालने के लिए वो आ रहे हैं। प्रोटेस्ट हर कोई करता है, आंदोलन हर कोई करता है, पर उस आंदोलन को उतना लंबा खींचने में जो अन्ना आंदोलन जो उतना लंबा चला उसमें योगेंद्र यादव का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हुए भी भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने राहुल गांधी का भी सपोर्ट किया। बहुत अच्छे उनके अल्फाज है, बहुत अच्छी उनकी सोच है। गुलबर्गा शहर में वो आ रहे हैं। मैं ह्यूमननेट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, उसका सदर होने की जानिब से आप तमाम को अपील करने के लिए आया हूँ कि आप अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम में दें, क्योंकि यहाँ पर हमें इस इलेक्शन की बारीकी सीखने मिलेगी। ये इलेक्शन हमारे लिए क्यों जरूरी है, इस पे तमाम सोशल एक्टिविस्ट, तमाम जो है ना सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद होंगे, वो अपनी राय आपके बीच में रखेंगे। 30 अप्रैल को ही पॉस फंक्शन हॉल में, जो कोरंटी हरमान टेम्पल के पास में वो फंक्शन हॉल है जहां पर 5 से 7 बजे भी वो अपना वक्त दे रहे हैं। जो लोग स्टेशन के वहां पर रहते हैं वो लोग 5 से 7 बजे पॉश फंक्शन हॉल में पहुंचे। जो हमारे नॉर्थ में रोजा ब्लॉक के जो लोग रहते हैं वो नेशनल ग्राउंड के कैंपस में पहुंचे। योगेंद्र यादव इंडिया की बहुत बड़ी शख्सियत है, वो बहुत बड़ा अपना रोल अदा करते हैं। इलेक्शंस हो या जितने भी जो किसान आंदोलन होते हैं इंडिया के अंदर, जो लोग खासतौर पर जो परेशान होते हैं जिस तरीके से बीजेपी सरकार टारगेट कर रही है हर किसी को, उसमें किस तरीके से हमारा योगदान देना चाहिए, हम किस तरीके से हमारी लड़ाई अपने वोट के जरिए, हम संविधान के दायरे में रहकर किस तरीके से हम अपना हक हासिल कर सकते हैं, इस पे वो रोशनी डालेंगे। मैं फिर एक बार तमाम लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग इन फंक्शन में पहुंचकर इन्हें कामयाब करें, कसीर से कसीर तादाद में पहुंचे। मैं फिर एक बार दिल की अमीक गहराइयों से जुबेर खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने इस नाजुक वक्त में योगेंद्र यादव को अपने पारस वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से उन्होंने बुलाया, और उनकी टीम को पूरी मुबारकबाद पेश करता हूं। और मेरे साथ में जो गुलबर्गा के पूरे सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको मैं अपनी जानिब से भी इस फंक्शन में आने की दावत देता हूं। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय फाइन आर्ट डिजाइनर, एक्सक्लूसिव फॉर सूट्स, शेरवानीज, अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर मेंस किड्स फॉर रिसेप्शन, मैरिज, एंगेजमेंट, एथनिक वेयर्स, पार्टीज, फेयरवेल एंड मच मोर। फर्स्ट ब्रांच at Timapuri Chowk, Gulbarga. Second branch at Supermarket Gulbarga.